नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। फाइटर फिल्म देख ली है हमारे सबके चहीते ऑटोले अंकल ने। चलिए बिना देरी करें उन्हें बुलाते हैं और जाने कोशिश करते हैं फाइटर उन्हें कैसी लगी, क्या ये उड़ान भर पाएगी बॉक्स ऑफिस पे कि नहीं। चलिए जाने कोशिश करते हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ आइए फ्रेम में। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फाइटर उड़ान भरेगी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में, या ये जो एयरबेस है या जो बुलटन जहाँ पर लैंड होती है वो गड़बड़ हो जाएगा, उड़ नहीं पाएगी, क्या लगता है? देखो, सबसे पहली बात क्या है कि ऋतिक की जो है मूवी बहुत दिन के बाद आई जी। चाहे मूवी चले चाहे ना चले, लेकिन ऋतिक को देखने के लिए आएंगे। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो आज भी जो है मतलब ये है ये मूवी। और रहेगी दूसरी बात, फाइटर एक हमारे देश के ऐसे ये हैं कि पल भर में जो है वो देश को बचाने के लिए उड़ान भर लेते हैं, और उसी के नाम पे ये फाइटर मूवी बनी है, जो कि सिद्धार्थ आनंद ने जिस तरह से डायरेक्शन किया है मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा। उन्होंने जो है मतलब गलती नहीं की है, हर एक तरह से उन्होंने डायरेक्शन किए हैं। मतलब लगा नहीं कि ये जम्मू कश्मीर में या कुछ वहाँ के दृश्य लिए गए हैं या VFX का जो भी है, ऐसे कुछ मतलब गलत नहीं साबित हुए, अच्छे लग रहे हैं, देखने को भी अच्छा लग रहा है, मूवी भी ठीक लग रही है। लेकिन एक बात यह है कि उस तरह का नहीं है जिस तरह से अभी हम लोग पठान देखे, जवान देखे, और अब जो है ये फाइटर देखे। अभी आप सोचोगे कि जो कि एकदम मैं सीट पकड़ के बैठा रहूं और लास्ट तक बैठे रहूं, वैसा नहीं है। आपने बात कर ही दी है पठान की, तो जानना चाहूँगा क्या पठान से ज़्यादा बेहतर लगी आपको कि उससे थोड़ा कम या बराबर? नहीं, ये देखो पहली बात क्या है कि ये देश के ऊपर है जी, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मूवी बनाई गई है। जैसे पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट हैं, चाहे अंदर से बोलो या बाहर से बोलो, जो भी वो हमला करते हैं उसके बारे में जो वो तैयारी करके फिर हमारे पीछे से वार करते हैं उसके बारे में बताई गई है। और यहाँ पे जो है जब हमारे फाइटर लड़ाई करने के लिए ऊपर से जाते हैं तो दो फाइटर जो है उनके कब्जे में रहते हैं, उन्हें बचाने के लिए लास्ट मोमेंट में ये कहानी ख़त्म होती है। 3D फिल्म देखी आपने, ज़्यादा खर्चा किया, 300 लगभग आपने खर्चे किए और मेरी भी 300 ही लगे और मेरी लग गई मतलब पैसे के हिसाब से बहुत है, इतना महंगा। देखो पहली बात क्या है, एक मिनट सर, पहली बात क्या है कि जो 3D में देखे, एक्चुअली देखा जाए तो ये 3D में कोई ज़रूरी नहीं था देखने का, क्योंकि प्लेन तो ऑलरेडी ऊपर उड़ी रही है। लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि 3D में मतलब बनाई गई, 3D में नहीं कुछ इतनी कुछ खास लग रही है। देख रहा था। हाँ, मैं देखा आपको कि आप दोनों ही साथ में देखे, तो मेरा पैसा चाहिए भाई 3D वाला, तो ज़्यादा खर्चा हुआ। क्यों पैसा? लेकिन एक दो प्लेन ऐसा लगा कि ऊपर आ रही मेरे और एक दो मिसाइल लगी मेरे को, ऐसा लगा मुझे। नहीं तो एक में तो आपका थोड़ा बहुत तो वसूल हुआ ना। एक सीन में तो आपका भी वसूल हुआ, लास्ट में किसी सीन का लास्ट में आपने गाना छोड़ के आया सर, जो पर्सनैलिटी जो पूरा का पूरा उसमें और एक बताया, दो हो गया सर। 300 रुपये खर्च करके आपने 3D में फिल्म देखी, तो क्या आपका पैसा वसूल हुआ क्या? नहीं, इतना नहीं वसूल हुआ, यह है कि मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन देश के प्रति जो है 300 क्या है? हाँ वो तो 300 क्या है। अभी मूवी चाहे हिट रहे चाहे फ्लॉप रहे, इसे हम लोग जो है देश के प्रति देखेंगे। और मैं यही चाहूँगा कि हर एक देश के, चाहे छोटे हो के चाहे बूढ़े हो के चाहे कोई भी फैमिली को, उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए। अशोक सर, शाहरुख खान, सलमान खान या जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, ऋतिक भी है, उनकी जो फिल्में देखते हैं हमसे, पठान और जवान ऐसे बड़ी बड़ी फिल्में जो चलती थी, उनकी जो पब्लिक है, क्या उन पब्लिक को भी ये फिल्म पसंद आई? क्या जैसे बोलते हैं टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ऐसे जैसे के आर के शब्द में? नहीं, मल्टीप्लेक्स में चलेगा ये, बड़े थिएटर में जो हाई लेवल के जो लोग हैं वो जो कार में आते हैं, जो 1000-2000 लगा के देखते हैं मल्टीप्लेक्स में, उन्हें ही पसंद आएगी। और ये जो है मतलब जैसे ये जो जैसे हम लोग जो जैसे हैं उन्हें जो है वैसे नहीं आएगी। जैसे इसमें पठान में आपने देखा होगा कि कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है, इसमें वैसा नहीं, कुर्सी की पेटी खोल लो है इसमें, ऐसा डायलॉग है जी। रेटिंग क्या 5 में से फिल्म को लेकर आप क्या देंगे? 3-3, क्योंकि सेकेंड जो है इंटरवल के बाद जो है अच्छी लगी, और आधे घंटे का जो सीन है लास्ट में वो अच्छा लगा, इसके लिए मैं इस मूवी को 3 स्टार दूंगा। और मैं यही बोलूंगा, अगर आपको देश से प्रति प्यार है तो आप जरूर एक बार मूवी देखें, और ऋतिक रोशन का जो है नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें। थैंक यू सर।